Hello, my lovely children. Welcome to your SST class, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I am going to start a new series of book with you, that is Jelly Bean Journeys for Class 3 by Brainroot Publications. Children, today we are going to begin with our new SST book. Alright, and we will learn about different kinds of things in this book. हम इस बुक में अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है हमारी पृथ्वी के बारे में, यानी our earth. Alright, earth is our motherland, right? So we will study about our mother earth. Alright, so let's start. In this chapter, we shall learn about life on earth, कि earth पर life कैसा है, structure and composition of earth, earth का structure और composition कैसा है, यानि earth किन किन चीज़ों से बना है, and lastly, we will also study about the different kinds of movements that are done by earth, यानि earth जो अलग अलग तरह की movements करती है, हम वो भी इस chapter में पढ़ेंगे. But before we begin with the chapter, let's do this activity. Observe the image carefully and answer the question. This is the image which is given here and we need to answer. Do you think that all parts of earth receive sunlight at the same time? आप picture को देखिए, यहाँ sun है, यहाँ earth है. क्या आपको लगता है कि earth के सभी तरफ, यानी चारों तरफ earth को equal रोशनी मिल रही है? एक ही टाइम पे सारा अर्थ जो है सन की रोशनी रिसीव कर पा रहा है. इफ़ यू लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यहाँ रोशनी ज़्यादा है और ये जो एरिया है ये काफ़ी डार्क है. सो दैट मीन्स द आंसर इज नो. अर्थ जो है एक ही टाइम पे हर जगह इक्वल सनलाइट नहीं रिसीव कर पाता. आइए हम और ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. The word earth comes from German English which means ground. यानी earth जो शब्द है ये German language है ना, German language से आया है. और earth का मतलब क्या है? earth का मतलब है ground, ठीक है? This is the third planet from the sun in the solar system. हमारा जो solar system है, sun उसका center है, right? और सन से अगर हम गिनना शुरू करें, मतलब सन के बाद जो प्लैनेट्स अरेंज्ड हैं सोलर सिस्टम में उनको अगर हम गिनना चालू करें तो फिर अर्थ जो है वो थर्ड नंबर पे आती है. ऑलराइट, लेट अस रीड अबाउट अर्थ इन डिटेल. आज हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में डिटेल में यानी विस्तार से पढ़ेंगे. लाइफ ऑन अर्थ. आप सभी को पता है बच्चों कि अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि लाइफ पॉसिबल है, राइट? ह्यूमन बीइंग्स और एनी काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स आर ओनली सस्टेनेबल ऑन अर्थ. और किसी ग्रह पे कोई भी जीव जंतु अवेलेबल नहीं है, राइट? आवर अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स. दीज लिविंग थिंग्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. प्लांट्स, जितने भी तरह के डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं वो सब, जितने वैरायटी जीव हैं, जंतु हैं वो सब, और ह्यूमन बीइंग्स, सब कुछ अर्थ में आ जाता है. देखिए यहाँ पे, यहाँ एक साइकिल है, ह्यूमंस, देन फंगस, एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैमिली से ट्रीज, फिशेस जो एक्वेटिक हैं, ठीक है, एंड देन बर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, व्हाट नॉट. तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब कहाँ मिलती हैं? वो सब हमें अर्थ पर मिलती हैं. ओके, द अर्थ इज नोन एज द प्लैनेट ऑफ लाइफ. इट इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. लाइफ को अच्छे से जीने के लिए हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, लैंड चाहिए जिसपे हम रह सकें. तो ये सभी चीज़ें अर्थ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और इसीलिए हम सब इतने आराम से अर्थ पर रह सकते हैं. वी नीड लैंड टू लिव एंड ग्रो फूड, है ना? लैंड हमें क्यों चाहिए? हमें लैंड रहने के लिए और खाना उगाने के लिए चाहिए, करेक्ट?
We use water for drinking and various other purposes. पानी हमें पीने के लिए भी चाहिए और बहुत सारी अलग अलग काम के लिए चाहिए. नहाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के चाहिए, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए चाहिए, है ना. सो मैनी डाइवर्सिफाइड यूज ऑफ वाटर आर देयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर. हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ है, मतलब एयर है. हाँ, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर है. ऑलराइट, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर है ये तो हमारी अर्थ है, ठीक है. और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एयर है इसको हम बोलते हैं एटमोसफेयर, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमोसफेयर. वी नीड एयर टू ब्रीद. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, स्पेशली ऑक्सीजन, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. तो ये सभी चीज़ें यानी लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ को जीने में मदद करती है और इसीलिए ये एसेंशियल चीज़ें अर्थ पे अवेलेबल है और अर्थ पे इसीलिए ज़िंदगी भी इजीली पनप पाती है. देयरफॉर द अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. क्योंकि सिर्फ अर्थ में ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इसीलिए सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जिंदगी का वास है, यानी जीवन का संचार हो सकता है. स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ. अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बना है, है ना. अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं जिस जो अर्थ को इतना मजबूत बनाती हैं. द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर सराउंडेड बाय एयर ऑल द साइड्स. अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड और वाटर से मिलकर बना है, ठीक है. कई जगहों पे वाटर है और कई जगह पे लैंड है और इन दोनों के चारों तरफ हवा ही हवा है. ऑलराइट, देयरफॉर द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. 1/4 ऑफ इट्स इज कवर्ड विद लैंड. इसका 3/4 जो हिस्सा है, मतलब अर्थ का, अर्थ को अगर 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो 3/4 हिस्सा तो पानी से घिरा हुआ है और जो रिमेनिंग 1 पार्ट है ना, 1/4, वो लैंड से घिरा हुआ है, यानी उस पर लैंड है. अवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन. इट गेट्स ऑल इट्स वार्म्थ एंड नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन. और अर्थ जो है उन 8 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चक्कर लगाता रहता है, ठीक है. अर्थ को जितनी भी गर्मी या ताप या रोशनी की ज़रूरत है वो सब उसे किससे मिलती है, उसे ये सब सन से मिलती है, ठीक है. सिंस मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट. क्योंकि अर्थ का बहुत सारा हिस्सा, मोर देन हाफ, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. पानी का कलर यूजुअली ब्लू कलर का होता है ना, जब हम ओशंस को ड्रॉ करते हैं या कलर करते हैं, जो ओशन वाटर है यूजुअली वो ब्लूइश कलर होता है, इसीलिए अर्थ को भी हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट. द एटमोसफेयर अराउंड द अर्थ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा. ऑक्सीजन इज द गैस दैट वी ब्रीथ टू सर्वाइव. और हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमोसफेयर है, जो लेयर ऑफ एयर है, वो उसमें तरह तरह की गैसेस मिक्स्ड है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत तरह तरह की गैसेस. अब इनमें से ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, बाकी सारी गैसेस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम जीव जंतुओं के लिए यानी लिविंग बींग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमंस बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ये ऑक्सीजन हमें एटमोसफेयर में से मिलता है. लेट्स स्टडी अ फन फैक्ट. साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ वॉज फॉर्म्ड एट द सेम टाइम एज सन एंड अदर प्लैनेट्स अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो. तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ और सन लगभग एक ही समय पर बने थे,
बाकी जो प्लैनेट्स थे वो कई सालों पहले बन चुके थे. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन नाउ एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. दिस इज अ डायग्राम. एक डायग्राम के थ्रू हमने अर्थ के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है. अगर हम अर्थ को कट करेंगे इस तरीके से तो फिर हमें अर्थ के थ्री पार्ट्स मिलेंगे. ऑलराइट, जो बिल्कुल बाहर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. क्या आप देख पा रहे हैं ये जो थिन सी बॉर्डर है ब्राउन कलर की, ये थिन सा जो बॉर्डर है ब्राउन कलर का, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट. ऑलराइट, क्रस्ट जो है बहुत हार्ड और रॉकी होता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक्स मिलते हैं. उसके बाद बीच में ये ऑरेंज पार्ट जो है वो है आपका मैंटल. ठीक है, यहाँ ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है. इसमें गरम गरम उबलता हुआ लावा भी होता है और कुछ कुछ रॉक्स भी होते हैं जो धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो रहे हैं, यानी हार्ड हो रहे हैं. ऑलराइट, एंड उसके बाद आएगा आउटर कोर, ये जो येल्लो कलर का पोर्शन है, एंड देन द वाइट पार्ट दैट इज इनर कोर. जो इनर और आउटर कोर हैं ये सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और यहाँ पे सब कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है. जो मिनरल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं. ऑलराइट, मूवमेंट ऑफ अर्थ. अब हम पढ़ेंगे अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट. जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या हम स्टैचू की तरह एक ही जगह रहते हैं? नहीं ना, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने हाथ पैर हिलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, मूवमेंट्स करते हैं. इसी तरह अर्थ भी एक जगह नहीं रहती, वो भी घूमती है. ऑलराइट, इट ऑल्सो मूव्स. और अर्थ दो तरह की मूवमेंट्स करती है. अर्थ इज नॉट स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब एक जगह पे रुके रहना. तो अर्थ जो है एक जगह पे रुकी नहीं रहती. इट मूव्स इन टू वेज. वो दो तरीके से घूमती है. एक तो अपनी एक्सिस पे, यानी अर्थ जो है एक इमेजिनरी एक्सिस पे घूमती है. ऑलराइट, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस. जैसे लट्टू घूमता है ना बेटा, आप लोगों ने बचपन में लट्टू से खेला होगा. आप लट्टू को घुमाते हो तो लट्टू एक स्क्रू के ऊपर घूमता रहता है. उसी तरह अर्थ भी एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर रोटेट करती है. ठीक है, वो मूव करती है. और साथ ही में अगर यहाँ पे सन है तो वो सन के, अगर ये आपका सन है तो वो सन के चारों तरफ भी राउंड लेती है. ठीक है, तो अर्थ दो तरीके से घूमती है, अपनी जगह पे भी घूमती है और साथ ही सन के भी चक्कर लगाती है. राइट, दीज मूवमेंट्स कॉज द ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट एंड चेंज इन सीजन्स रेस्पेक्टिवली. यानी जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूम रही है तब डे एंड नाइट होता है, और जब वो सन के आसपास घूम रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली तब सीजन्स में, यानी मौसम बदलते हैं. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोटेशन. जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, ठीक है, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. यानी अपनी ही एक्सिस पे अर्थ जो चक्कर काट रही है उसको करने के लिए एक पूरा दिन, यानी 24 आवर्स लगते हैं. ठीक है, और रोटेशन, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन. और रोटेशन कॉजेज नाइट एंड डे. मतलब रोटेशन की वजह से हम दिन और रात में फर्क कर पाते हैं. एज इट स्पिन्स वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस सन. जब वो घूमती है अपनी जगह पे तो उसका आधा हिस्सा सन की तरफ होता है और जो बाकी का आधा हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ होता है, जहाँ सन की रोशनी नहीं पहुंच पाती. जिस तरफ सन की रोशनी पहुंच रही है उस तरफ डे होगा, और जो एरिया पीछे है, मतलब अर्थ का जो बैक साइड है जहां सन की रोशनी नहीं पहुंच रही, वहां पे नाइट होगा. ओके,
The other half, which is away from the sun, experiences night. The earth spins from west to east, यानी west से east की तरफ जाता है, ठीक है? East to west नहीं, west to east की तरफ जाएगा. The sun does not move across the sky, it is the earth that actually moves. और ये बहुत important बात है कि हम जो कई बार लोग गलत सोचते थे कि सूरज अपनी जगह बदल रहा है, no. सन नहीं मूव करता, सन अपनी जगह पे ही रहता है. बाकी सारे प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते हैं, यानी कि अर्थ सन के चक्कर लगाता है, सन अपना पोजीशन पे हमेशा टिक कर रहता है. ऑलराइट, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के बारे में. जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि अर्थ सिर्फ अपनी ही जगह पे नहीं घूमती, अर्थ स्लोली स्लोली सन के भी चक्कर लगाती है. ऑलराइट, सो व्हेन द अर्थ टेक्स अराउंड अ टर्न ऑफ सन, इट इज नोन एज रेवोल्यूशन. इन एडिशन टू रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. इट मूव्स ऑन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक है, यानी जब हमारा सन फिक्स्ड है, सन तो अपनी जगह फिक्स्ड है, राइट? ये आपका सन है, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है, और ये अर्थ है. ये जो अर्थ है ये एक फिक्स्ड पाथ पे सन के चक्कर लगाती है, राइट? ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जिस पे वो चक्कर काट रही है सन के, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. क्या बोलते हैं इसको हम? राइट, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. द अर्थ्स ऑर्बिट इज एलिप्टिकल इन शेप. द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए अर्थ को 365 डेज एंड 1/4 ऑफ द डे की जरूरत पड़ती है. द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ जब सन के आसपास चक्कर लगाता है, इसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स में चेंज आता है, यानी मौसम बदलते हैं, राइट? सो चिल्ड्रन, हमने इस चैप्टर में कुछ नए टर्म्स सीखे. क्या क्या है वो टर्म्स, आइए उन्हें एक बार और पढ़ के देख लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा सोलर सिस्टम, द सन विद 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड इट. सन और सन के साथ जो 8 ग्रह जो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, उसको हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर, द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ. अर्थ के आसपास एक हवा की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेयर है, राइट? जिसमें तरह तरह के गैसेस मिक्स्ड है, तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है अराउंड द अर्थ, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एंड ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब है द पाथ टेकन बाय अ प्लैनेट और अदर ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स अराउंड अदर प्लैनेट. यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे अर्थ सन के आसपास घूमता है, तो उसका जो पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी और अदर ऑब्जेक्ट के आसपास घूमेगा, तो जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाएगा, उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे. ओके, नाउ लेट्स क्विकली लुक ओवर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर में. फर्स्ट, अर्थ इज नोन एज द प्लैनेट ऑफ लाइफ. अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए अर्थ को हम प्लैनेट ऑफ लाइफ बोलते हैं. सेकेंड, वी नीड लैंड टू लिव एंड ग्रो फूड. हमें लैंड की ज़रूरत है ताकि हम रह सकें और खाना भी उगा सकें. थर्ड, एटमोसफेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, है ना? अर्थ के आसपास जो लेयर ऑफ अर्थ है उसे हम एटमोसफेयर बोलते हैं. फोर्थ, द अर्थ सर्फेस इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर सराउंडेड बाई एयर इन ऑल द साइड्स. एंड लास्ट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर टू मूवमेंट ऑफ अर्थ. रोटेशन डे एंड नाइट करता है और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंजेस आते हैं, राइट? सो हमने इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. तो आइए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं. आर यू रेडी टू डू द एक्सरसाइजेस? यस, ओके, सो कम अलॉन्ग, लेट्स गेट स्टार्टेड.
The first exercise is multiple choice questions. हमें objective questions का answer देना है. हर question के चार option हैं. हमें जो सबसे सही option है उसे tick करना है. Okay? So let's start. The Earth is also known as the blue planet. Very good. Second one, dash of our earth surface is covered with water. Earth का कितना portion water से covered है? ज़्यादातर portion. तो हमने क्या पढ़ा था? अगर हम earth के चार हिस्से करें, तो तीन हिस्से, यानी 3/4. Alright? So option C is correct. Next, which of the following causes day and night? क्या day and night cause करता है? Rotation. Earth अपनी एक्सिस पे जो घूमती है दैट कॉजेज डे एंड नाइट और इसको हम रोटेशन बोलते हैं. हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. सो द आंसर इज बी. फिफ्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. जो अर्थ का जो पाथ है जिसके ऊपर वो चक्कर काटता है सन के, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर बी, व्हिच सेज वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. है ना, हमें इन वाक्यों को पूरा करना है. तो आइए करते हैं एक एक करके. फर्स्ट वन, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर. अर्थ के चारों तरफ जो लेयर ऑफ एयर है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमोसफेयर. ऑल राइट, वेरी गुड. नेक्स्ट, द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश. अर्थ का जो सरफेस है उसमें लैंड और वाटर है. सो इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. नेक्स्ट, डैश इज द गैस दैट वी ब्रीथ टू लिव इन. हम कौन सी हवा में सांस लेते हैं? कौन सा हवा सबसे ज्यादा एसेंशियल है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑक्सीजन. हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. वेरी गुड. लेट्स डू द फोर्थ वन. द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, फिफ्थ, द अर्थ टेक्स डैश डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. सो 365 एंड 1/4 डे टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. सिक्स्थ वन, डैश कॉजेज डेज एंड नाइट व्हाइल डैश कॉजेज चेंज इन सीजन. तो रोटेशन कॉज करता है डे एंड नाइट. सो रोटेशन यहाँ फिल करेंगे हम लोग. और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन जो है वो सीजन्स में यानी मौसम में बदलाव लाता है. ओके चिल्ड्रेन, सो आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल द आंसर्स. नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर सी. एक्सरसाइज नंबर सी सेज वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स एंड देन वी हैव टू टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. So let's quickly do them. We need air to breathe. Yes. So this is true. Our earth is one of the 9 planets that move around the sun. It is false. Now there are only 8 planets. Okay. Third, the earth is stationary. Again, this is false. Earth stationary nahi hai. Earth movement karta hai. Do tarah ke movements karta hai. फोर्थ, वी ब्रीथ ऑक्सीजन टू लिव. येस, दिस इज ट्रू. हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. और द लास्ट वन, द अर्थ गेट्स ऑल इट्स वार्मथ एंड नेचुरल लाइट फ्रॉम मून. क्या मून से मिलता है? नहीं, ये गलत है. हमें सन से मिलता है. सो दिस इज फॉल्स. हमें सन से मिलता है. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन विद दिस we have completed all the exercises of this chapter and we now move towards exercise number D. All right, so we need to give one word for the following, right? Hame ek ek word dena hai in sabhi sentences ke liye.
द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, सो दिस इज नोन एज रोटेशन. दिस इज नोन एज रोटेशन. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक रोटेशन को पूरा करने के लिए 24 आवर्स यानी 24 घंटे यानी कि एक दिन, राइट? सो 24 आवर्स. थर्ड, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के जब चक्कर काटता है अर्थ तो क्या लगता है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन. वेरी नाइस, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट द लास्ट वन, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 and 1/4 days, राइट? इतना टाइम लगता है अर्थ को. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्सरसाइजेस. विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन एंड योर नॉलेज हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट. अब आपको अर्थ के बारे में भी पता है, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में भी पता है, अर्थ किस तरीके से मूव करती है आपको ये भी पता है, ठीक है? सो वेरी सून आई विल अगेन मीट यू विद अ न्यू चैप्टर ऑफ दिस बुक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो. बाय बाय एंड टेक केयर.